तो सत्ते पे सत्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। देश में बढ़ते प्रदूषण से आम इंसान ही नहीं बल्कि भगवान पर भी असर दिख रहा है। वाराणसी में भक्तों ने भगवान की प्रतिमाओं को भी मास्क पहना दिया है जिससे उन्हें प्रदूषण के खतरे से बचाया जा सके। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। इसकी चपेट में धर्म नगरी वाराणसी भी आ चुकी है। काशी के लोग प्रदूषित हवा से बचने के लिए इन दिनों मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं भगवान को भी जहरीली हवा से बचाने के लिए मास्क पहनाए गए हैं। ये देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में। पुजारी के मुताबिक जब लोगों ने प्रतिमाओं को मास्क पहने हुए देखा तब वो भी प्रदूषण से बचाव के लिए खुद मास्क पहनने लगे। कई लोगों ने इन प्रतिमाओं से सीख ली। छोटे बच्चे भी प्रदूषण से बचाव के लिए जागरूक हो रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड और चारों तरफ बर्फ, देश के पहाड़ी इलाकों का आजकल यही नजारा है। जहां देखो बस बर्फ ही बर्फ नजर आती है। हिमाचल में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट हुई है, लेकिन बर्फबारी का लुत्फ उठाने सैलानियों की तादाद में इजाफा होने की उम्मीद है। पहाड़ों पर बर्फीला नवंबर, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत और -17 डिग्री तक गिरा तापमान। नवंबर की शुरुआत में देश के पहाड़ी इलाकों में दिसंबर से ठंड होने लगी है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं, जहां बर्फबारी के बाद हालात कुछ ऐसे हैं। हिमाचल में पिछले 5 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट में से एक रोहतांग में 1.5 फीट बर्फ गिरी, जिसे बाद में कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया। भारी बर्फबारी के बीच सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ी, जो घंटों ट्रैफिक के बीच फंसे रहे। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में बर्फ गिरने के साथ बर्फबारी हो सकती है। 7 नवंबर को पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन और सिरमौर में 115 mm बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घाटी में इस बार अक्टूबर से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इस सीजन की बर्फबारी में पिछले महीने रोहतांग दर्रे को भी 2 बार बंद करना पड़ा था। लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों और रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। कुफरी का 6, कल्पा का 2, मनाली में 4, डलहौजी में 6 और केलांग का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जम्मू कश्मीर में भी मौसम की पहली बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। कश्मीर मौसम विभाग ने 6 से 8 नवंबर के बीच भीषण बर्फबारी की एडवाइजरी जारी की है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्री धाम पर भी बर्फ पड़ रही है। तापमान भले ही -4 डिग्री के करीब हो, लेकिन श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला अब भी जारी है। रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ में भी हल्की बर्फबारी हुई है। केदारनाथ में अधिकतम तापमान 8 और न्यूनतम -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केदारनाथ में दोपहर बाद कुछ देर हल्की बर्फबारी के बाद बारिश भी हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। बर्फ बढ़ने से यहाँ एक तरफ सैलानी बहुत खुश है, तो वहीं स्थानीय नागरिकों के लिए मुसीबत की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के सीकर, जहां अजीतगढ़ कस्बे में रविवार को एक पैंथर ने आतंक मचाया, जिसकी वजह से वहां पर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। करीब 8 घंटे बाद इस पैंथर को पकड़ा जा सका। पेड़ पर शिकारी, शहर में सनसनी। आगे आगे तेंदुआ, पीछे पीछे लोगों की भीड़। 8 घंटे तक चला ऑपरेशन तेंदुआ। जंगल का खूंखार शिकारी जब अपनी सीमा को पार कर इंसानी बस्ती में घुसा है,
तो कुछ ऐसा ही हंगामा मचता है जैसा कि राजस्थान के सीकर में हुआ। आगे आगे तेंदुआ इंसानों से खुद को बचाने के लिए भाग रहा है और भीड़ उसका पीछा कर रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं, जहां अजीतगढ़ कस्बे में रविवार का दिन इस तेंदुए के नाम रहा। पूरा कस्बा जैसे इस तेंदुए की खबर पाकर यहां इकट्ठा हो गया। तेंदुआ सबसे पहले सीसीटीवी के वीडियो में सड़क पर भागता दिखा और फिर लोगों ने इसका पीछा किया तो इसने दो राहगीरों को पंजा मारकर जख्मी कर दिया। इसके बाद ये जान बचाने के लिए इस पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। शिकारी भले ही खूंखार था, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर वो पेड़ से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच गांव वालों ने पुलिस और वन विभाग को भी तेंदुओं की खबर दी, लेकिन पेड़ से तेंदुओं को उतारना आसान नहीं था। रेस्क्यू के दौरान अगर तेंदुआ पेड़ से नीचे गिरता तो इसके जख्मी होने की आशंका भी थी, लिहाजा पेड़ पर चढ़े तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज करने से पहले यहां दो जेसीबी मशीनें मंगाई गई। देखिए, ट्रैंक्विलाइजर लगते ही जैसे ही तेंदुआ नीचे आया, जेसीबी का जाल इसके वजन से टूट गया और तेंदुआ ठप से जमीन पर आ गिरा। तेंदुए के गिरते ही मजमा लगाए खड़े लोगों में जैसे भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस बीच वन विभाग की टीम पहले से ही मुस्तैद थी। उन्होंने एक दूसरे जाल से तेंदुए को दबोचा, लेकिन तेंदुआ एक बार फिर जाल से निकलने में कामयाब रहा। देखिए, जाल से आजाद होते ही तेंदुआ यहां खड़ी गाड़ियों के पीछे चला गया। हालांकि इस बार ट्रैंक्विलाइजर भी असर कर रहा था। भागने के दौरान तेंदुओं के पैर बीच बीच में लड़खड़ा रहे थे। वो कहीं कहीं बेहोश होकर भी गिर रहा था, लेकिन होश आते ही वापस उठकर खड़ा होता और भागना शुरू कर देता। आखिरकार जब तेंदुए पर ट्रैंक्विलाइजर ने असर करना शुरू किया तो उसके कदम थम गए और वन विभाग के लोगों ने जाल के जरिए तेंदुओं को दबोच लिया। करीब 8 घंटे बाद ऑपरेशन तेंदुआ पूरा हुआ। वन विभाग की टीम तेंदुए को अपने साथ ले गई और गांव में फैली तेंदुए की दहशत खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कान्हा की नगरी मथुरा में एक पिता की क्रूरता की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़ा चल रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस भी मौजूद थी। अचानक जमीन पर कब्जा जमाने वाले वीरी सिंह नाम के इस शख्स का पारा चढ़ गया। दोनों गुटों के बीच कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई। झगड़े के दौरान वीरी सिंह अपना आपा खो बैठा और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी गोद में रखे बेटे को जमीन पर पटक कर मारने का प्रयास किया। ये जालिम पिता यही नहीं रुका, उसने मासूम बच्चे का पैर पकड़कर एक बार फिर उसे हवा में घुमाया और उसे मारने की कोशिश की। पति की हैवानियत देख मां की ममता जागी और उसने अपने बच्चे को पकड़ लिया। अगर वो समय रहते ऐसा ना करती तो जमीन के टुकड़े के लिए मासूम की जान चली जाती। और यातायात के नियमों की माने तो बिना हेलमेट लगाए दुपहिया वाहन चलाना अपराध है। हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं और हम इसका पालन भी करते हैं, लेकिन हेलमेट लगाकर कोई घर के अंदर रहे या दफ्तर में बैठकर काम करे, ये थोड़ा अजीब लगता है। जी हाँ, लेकिन यही हो रहा है यूपी में बांदा जिले के बिजली विभाग में। सिर पर हेलमेट और हाथ में फाइल, तस्वीरें यूपी के बांदा जिले के बिजली विभाग की है। आप सोच रहे होंगे कि ये महाशय शायद काम की जल्दी में हेलमेट उतारना भूल गए, लेकिन ये क्या, यहाँ बैठे सभी कर्मचारी हेलमेट पहनकर काम कर रहे हैं। बांदा जिले के बिजली विभाग में कर्मचारी हेलमेट लगाकर दफ्तर में अपनी सीट पर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ तो खतरा हमेशा सिर के ऊपर मंडराता रहता है। बिजली विभाग के मीटर लैब की स्थिति इतनी जर्जर है कि ऊपर से छत टूट टूट कर गिर रही है, कभी भी एंगल टूट कर गिर सकता है, इसीलिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। हेलमेट सर, ये बहुत खतरा है ना, कई बार ऐसा हो चुका है किसी ने गिर गई है, हम लोग अगर बार गिर चुके हैं तो इसलिए दर्द बना रहता है और सर में चोट ना लगे, इसलिए हेलमेट हम लोग को लगाना पड़ता है। विभाग का ये हाल पिछले 2 साल से है।
किसी गोदाम की हालत भी इससे कहीं अच्छी होगी। एक बार एक टुकड़ा एक महिला उपभोक्ता के ऊपर भी गिर पड़ा था। कर्मचारी ने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े अधिकारी यहाँ आने से बचते हैं। आज तक अधिकारी लोग सभी आ चुके हैं, MD साहब भी दवा कर चुके हैं, यहाँ तक जो DM साहब भी यहाँ का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। उसके बाद भी कोई आधा मिनट कोई भी अधिकारी यहाँ अंदर आने के बाद रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको अपनी जान का खतरा था। दरअसल मीटर लैब की सबसे ऊपर की छत टीन की बनी है, नीचे पलाई लगाई हुई है जो टूट रही है। अधिकारी कहते हैं कि टीन के गिरने की संभावना नहीं है, जो कर्मचारी हेलमेट लगाए। मीटर विभाग का मीटर विभाग में टीन की छत है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और नीचे उसके प्लाई लगी हुई जो खराब हो गई है। हाँ। वो हम चेंज करा रहे हैं, सप्ताह में चेंज हो जाएगी प्लाई। मीटर लैब की स्थिति देखकर हैरत तो होती है, अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।